पहला तो मैं सरदार रवनीत सिंह बिट्टू साहब जेडे कि उचेचा तौर पर दिल्ली तो चल के आए और मेरी नामजदगी दे कागज़ दाखिल कराने विच इन्हां दे आउण नाल साडी बड़ी इज्जत अफजाई तो बड़ी हौसला अफजाई हुई है। मैं रवनीत साहब, मैं थोड़ी मार्फत भारतीय जनता पार्टी की तमाम लीडरशिप नूं जिहड़ी कि दुनिया की सब तो वड्डी सियासी जमात है उन्होंने मनप्रीत ते भरोसा किया, मैनू इस टिकट नाल नवाजिया। मैं थोड़ी मार्फत अपनी लीडरशिप नूं प्राइम मिनिस्टर साहब नूं, होम मिनिस्टर साहब नूं, नड्डा जी नूं, जाखड़ साहब नूं, साडे लोकल साडे सतीश जी, अविनाश जी सारे कि मैं थोड़ा इस गल का बड़ा शुक्रगुजार हाँ। और जो थोड़ा मेरे ते भरोसा है ये मेरे लिए एक अजीम जिम्मेवारी है और एक मुकद्दस इमानत है। इस इमानत दे विच मैं कदे ख्यानत नहीं होण दवांगा। मैं बीजेपी की लीडरशिप नूं इस गल का विश्वास दवाना कि जदों तक गिदड़बा दे लोग खुश नहीं हो जाते ना टिक के चैन नाल मनप्रीत बैठूगा ते ना टिक के जो गिदड़बा दी बीजेपी दी साडे सारे मंडल और सारे ज़िले दे लोग है ना टिक कर असीं उदों बैठांगे। और मैं गिदड़बा दे लोकां नूं इस गल दा वादा विश्वास भरोसा यकीन इतबार तसली कि जो भी साडे मसले मसाइल है जो लमक दियां जिहड़े काम अज पए है साडी हर मुमकिन कोशिश है कि अगले दो सालां च जदों कि अगले क्योंकि इहदा ज़िमनी चोण है अगली जिहड़ा मेन जिहड़ी चोण तो 27 दी चोण तो पहलां असीं तुहाडियां आसां ते उम्मीदां ते पूरे उतर सकीए। और इस नेक काम लई मैं परमात्मा की मदद ते गिदड़बा हल्के दे लोकां दी मदद दा तलबगार हां। मैं धन्नवाद करदा श्री नरेंद्र मोदी जी दा, साडे गृह मंत्री अमित शाह जी दा, साडे प्रधान साडे नड्डा साहब दा, रूपानी साहब दा, जाखड़ साहब दा, मैं सारी पार्टी दा, साडे प्रधान जिला प्रधान ते साडे इंचार्ज जिन्हां ने यह बहुत वड्डा क्योंकि मनप्रीत सिंह बादल एक आप दे विच बहुत वड्डा नौ आ ते उन्होंने पंजाब लई जिन्ना वो जानते कोई कुछ कही जाए जिन्ना इन्होंने सेवा पंजाब दी कीती आ लगातार 10 साल तो वध फाइनेंस मिनिस्टर रहना एक किसी दे मैं समझदा हिस्से नहीं आया इन्ने ज़्यादा बजट पेश करने किसी दे हिस्से नहीं आए जे दोनों पार्टियां रह के ते भाई साहब कुछ तो लियाकत होगी उस जे कांग्रेस पार्टी ने भी उन्होंने अपना फाइनेंस मिनिस्टर बना के रखे तो जिहड़ा अकाली दल बादल साहब जिन्होंने आप जानते हैं भी किस तरीके नाल उन्हां दा नौ आ ते उन्होंने भी अपना फाइनेंस मिनिस्टर मनप्रीत सिंह बादल नूं बना के रखिया ते अज देश दे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने ते बीजेपी ने जे टिकट दित्ती आ गिदड़बाए तो तुसीं आप अंदाजा लाओ भी ये पंजाब दे लई पार्टी की गल हुंदी आ पर देश दे लई पंजाब लई जिहड़ा बंदा जिउंदा ए पंजाब दे लई हमेशा हाँ पक्खी जे कोई हंगारा भरन वाला मनप्रीत सिंह बादल ने। मैं इक्को गल कहूँगा मैं भी कुछ महीने पहला बीजेपी ज्वाइन की है तो मैं एक गल बड़ी जिम्मेदारी ना कह सकदा मैं इलैक्शन जितया भावें हारिया अज पंजाब दे इक पग होण करके अज मैं वो मंत्री कैबिनेट मैनू बिठाया उन्होंने तो मनप्रीत सिंह बादल होना भी बड़ी वड्डी सोच आ बीजेपी की साडे प्रधानमंत्री जी की अमित शाह जी की ये एवं बीजेपी दे विच अज गिदड़बा तो इलैक्शन नहीं लड़ रहे तो इस करके पंजाब गिदड़बा मैं समझदा जे इन्हां दी पिट पिछे खड़ूगा मैं ये नहीं कहता इन्होंने बहुत कुछ देख लिया बथेरा कुछ इन्होंने अपना जिंदगी कोई हासिल कर लिया जगह पर इस वेले देन दी वारी है सिर्फ इन्हों का मन ये आ क्योंकि बीजेपी ने 29 तक सरकार रहनी है बीजेपी की रहनी है तीजी बार जी हूँ बनी बनी है तो जे आप बाकी सूबे कितने की कितने पहुँच गए जे गिदड़वाए जे पंजाब के लिए चीज़ा लिया सकनगे मनप्रीत सिंह बादल इतों जित प्राप्त करके उदू बड़ी गल कि हो सकती है इस करके मैं कहना है भी ये एक इंसान ने जिन्होंने हर हिसाब हर अजैबरा पता है भी कि जगह तो किमें कम कराने अज भी मेरे नाल जदों हुण भी सवेरे भी जे गल रेलवे की करिए रेलवे बारे गल कर रहे
हर चीज़ इन्हों पता है। इस करके मैं अच्छ सारियां बेनती करदा अपनी पार्टी वालों सारी वालों कि मनप्रीत सिंह बादल की जित दे विच पंजाब की जित बस ये पंजाब की जित मैं इन्नी गल करूँगा।